हिंदू महासभा के कमलेश तिवारी द्वारा विवादास्पद टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। शनिवार को उन्होंने रैली निकालते हुए दोषी को फांसी देने की मांग की है। हिंदू महासभा के कमलेश तिवारी द्वारा पिछले दिनों आपत्तिजनक टिप्पणी को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गंभीरता से लेते हुए इसे गुस्ताखे रसूल कहा है। शनिवार को जुगसलाई क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। हाथों में प्लाई कार्ड थामे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वे कमलेश तिवारी को फांसी पर चढ़ाने की मांग कर रहे थे। सल्लम के शान में गुस्ताखी किया है, उनके विरोध में सारे जुगसलाय के और जमशेदपुर के जितने मुसलमान हैं उनके विरोध में जुलूस निकाल रहे हैं, मौन जुलूस। और उस गुस्ताख को जो सल्लम के शान में गुस्ताखी की है, अभद्र शब्द बोला है, तो हम लोग डिमांड करते हैं तमाम 25-30 हज़ार मुसलमान का जुलूस है अभी, हम लोग डिमांड करते हैं उसको सख्त से सजा दी जाए, उसको फांसी की सजा दी जाए। सिंहभूम में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के पास आउट छात्र चरित्र प्रमाण पत्र के लिए महीनों से भटक रहे हैं। अंत में वे निदान के लिए DDC का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हुए। सिंहभूम होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज पिछले काफी समय से विवादों में है। शनिवार को DDC के पास गुहार लेकर पहुंचे कॉलेज के 2012 बैच के पास आउट स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें रोजगार के लिए और दूसरे संस्थानों में अप्लाई करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें कॉलेज प्रबंधन द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। कि आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो लोग जमा किए हैं वो 6 महीने से ज्यादा वैलिड नहीं है, उनको दूसरा फिर से बनवा के लाइए, या बहुत लोगों के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है जो कॉलेज इशू नहीं कर रही है। ठीक, ये बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल सर का कहना है जो हम पावर में नहीं हैं। ठीक, और ऑफिस स्टाफ जो है वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनका कहना है कि हम अगर स्टाफ देते भी हैं सर्टिफिकेट तो प्रिंसिपल सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है और इसमें करीब 3 बैच कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कहाँ से हो आप लोग पहले बताइए। हम लोग यहाँ जमशेदपुर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स है। 2012 में हम लोग का सब चीज़ कंप्लीट हो गया, हम लोग 2013 में इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिए, पर हम लोग का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए हम लोग को रोक दिया गया है क्योंकि कॉलेज हम लोग को सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कहाँ है आज? यहाँ हम लोग आज DDC साहब से मिलने आए थे जो हम लोग के कॉलेज के चेयरपर्सन। और आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव के अंतर्गत शनिवार को पोटका पटमदा और बोराम निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना हुई। इस दौरान चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किए गए थे। पंचायत चुनाव के अंतर्गत शनिवार को जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में मतगणना का कार्य आरंभ हुआ। मतगणना विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न चरणों में 3 दिनों तक चलेगी। शनिवार को पटमदा पोटका और बोराम निर्वाचन क्षेत्र के लिए मुखिया पंचायत सदस्य या वार्ड सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की गिनती की गई। इस दौरान मतगणना केंद्र जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मतगणना कार्य अपने निर्धारित समय सुबह 8 बजे आरंभ हुआ, जो मतगणना कर्मियों के रोटेशन के तहत रात 8 बजे तक चला। सुरक्षा तो यहाँ चाक चौबंद है, सभी पुलिस पदाधिकारी से लेकर पुलिस बल तक और सभी, और देख ही रहे हैं कि फोर्स लगा हुआ है और विधि व्यवस्था शांति व्यवस्था सब अच्छी तरह। किन किन क्षेत्रों में मतगणना?
यहाँ पर पटमदा, पुटका, बुड़ा तीन प्रखंड का चुनाव मतगणना मतलब हो रहा है। आज ही है कि कल? तीन दिन चलेगा, 19, 20, 21। पूरी तरह शांति है? पूरी तरह शांति है और हम लोग पूरी तरह से सतर्क है किसी प्रकार की किसी प्रकार का। भारत स्काउट एंड गाइड पूर्व सिंहभूम द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए भारत स्काउट एंड गाइड पूर्व सिंहभूम के साक्षी आंबागान स्थित कार्यालय से एक रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। द्वितीय सोपान टेस्टिंग कैंप चल रहा है, जिसमें विभिन्न स्कूलों से आए करीब 170 बच्चे हैं और ये आज हम लोगों ने जल संरक्षण के विषय में रैली निकाली। साथ ही हम लोगों को एक हाइकिंग का पूरा कार्यक्रम किया था, ये जो कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आता है। उसी में बच्चों को वहाँ गेम्स भी खिलाए गए। वुडक्राफ्ट साइंस जो कि हम लोग का सिलेबस है, तो उसके अनुसार खोज चिन्ह के आधार पर बच्चे हाइकिंग के लिए गए और वहाँ जाकर बच्चे एंजॉय करके भी रैली। रैली कहाँ से कहाँ तक निकली? हम लोग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है आम्बागान, वहाँ से लेके जुबली पार्क तक हम लोग आए। जुबली पार्क रोड में शनिवार को सड़क हादसे में एक युवक और युवती घायल हो गए हैं। शनिवार को जुबली पार्क मार्ग में एक बाइक दुर्घटना में मानगो निवासी राजा नामक युवक घायल हो गया, उसके साथ बाइक में सवार युवती को भी चोटें आई हैं। ये बिष्टुपुर से साक्षी की ओर जा रहे थे। एक्सीडेंट हो गया है, इस पर हम आए हैं देखने के लिए। हम पेट्रोलिंग में कैसे हुआ है लोग एक्सीडेंट कुछ बता पा रहे? तो हम अभी आपके सामने ही आए हैं, तो हम तो जो सूचना मिली। कितने लोगों को चोटें लगी है? कुछ नाम बता पा रहे हैं कि क्या नाम है? क्या नाम राजा नाम है। महेश्वरी महिला मंडल द्वारा तुलसी भवन में जागृति मेला का आयोजन किया गया। महेश्वरी महिला मंडल द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हस्तनिर्मित वस्तुओं का मेला लगाया गया है। जागृति मेला में 50 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। दूर दूर से स्वनिर्मित वस्तुओं को स्टॉल्स में रखे गए हैं। मेला 4 दिनों तक चलेगा। ये हम 9 साल से लगाते आ रहे हैं। इसमें महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए एक मंच दिया जा रहा है। ये महिलाएं हमारे यहाँ हमेशा स्टॉल लगाते रहती हैं। इन्हें यहाँ पर एक बहुत सुंदर मंच के जरिए ये अपना कार्य कर रही है। कितनी स्टॉल लगी और कहाँ कहाँ से लोग आए? यहाँ बाहर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, थाईलैंड वगैरह से भी सारे लोग आए हैं, फॉरेन कंट्री से बहुत सारे लोगों ने अपना यहाँ पर लगाया है। आबकारी विभाग द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर की गई छापामारी में अवैध रूप से शराब पीने पिलाने के आरोप में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी की गई। इस दौरान अवैध रूप से शराब पीने पिलाने वाले 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अवैध शराब के किंग माने जाने वाले विनोद खटिक को भी हिरासत में लिया गया है। हिरासत में उसने काफी हंगामा भी मचाया है। पुलिस के साथ बात का जैसे अनुसार हम लोग किए हैं, अभियान चालू है। बागवेरा में हम लोग छापामारी किए हैं, बागवेरा में, जुगसलाय में, छाया नगर, मानगो, पहाड़ी सब जगह छापामारी किया। कुल 28 आदमी को हिरासत में लिया। 28 आदमी क्या कर रहे थे लोग? कुछ पीने वाला है, कुछ बेचने वाला है। अच्छा, इसी तरह से कितना शराब बरामद हुआ था? करीब 900 लीटर शराब बरामद हुआ। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। बर्मा माइंस बस्ती से आए लोगों में आक्रोश है कि राशन कार्ड बनाने के नाम पर सिर्फ उन्हें टहलाया जा रहा है। एसडीओ से मिलने आए बर्मा माइंस बस्ती के लोगों का कहना है कि पुराने राशन कार्ड को अमान्य कर दिया गया है और नए राशन कार्ड के लिए उन्हें सिर्फ कार्यालयों का चक्कर काटना पड़ रहा है। उन्होंने भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है।
हम लोगों को कोई राशन कार्ड नहीं मिला है। राशन कार्ड पहले भी हम लोग अप्लाई किए थे जिसमें कम से कम 15-20 आदमी से ऊपर भी आया है और सबको नहीं आया। कम एक महीना से ऊपर से आ रहा है। एक महीना पहले हम लोग भी 2 महीना पहले अप्लाई किए थे जिसमें हम लोगों को किसी को आया नहीं अभी तक, हम मिला नहीं। फिर हम लोग गए तो बोले थे कि फिर से अप्लाई कीजिए, फिर से मिलेगा। फिर हम लोग राशन कार्ड फॉर्म जमा कर रहे हैं, कोई बोलता है वहाँ जमा हो, कोई वहाँ बोलता है, हम लोग को परेशान किया जा रहा है, एकदम बेवकूफ बना रही है सरकार हम लोगों को, एकदम तंग किया जा रही है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग खाने के लिए नहीं, ठीक नहीं है, एलम नहीं है। और हम लोग को जो राशन कार्ड पहले बोला कि देंगे वो भी नहीं मिल रहा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग नहीं देंगे तो आंदोलन करेंगे, धरना पकड़ेंगे, भूख हड़ताल करेंगे हम लोग। निजी स्कूलों में शनिवार को लास्ट वर्किंग डे था। शीतकालीन छुट्टियों के बाद अब स्कूल नव वर्ष में 4 जनवरी को फिर से खुलेंगे। शनिवार को शहर के अधिकांश निजी स्कूलों में लास्ट वॉकिंग डे था। सभी स्कूलों में विंटर वेकेशन घोषित कर दी गई है। कदमा जिसको स्कूल में कक्षा के अंतिम दिन होने के नाते खेलकूद का आयोजन किया गया। सत्र का आखिरी दिन होने के कारण बच्चों में भी काफी उत्साह देखा गया। स्टैंडर्ड 1-2 स्टैंडर्ड 10 तक के लिए 21 तारीख लास्ट वर्किंग डे है। और स्टैंडर्ड अपर केजी और नर्सरी और एलकेजी का बंद हो चुका है 18 से स्कूल का लास्ट वर्किंग डे। श्याम सेवा संघ द्वारा श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया है। शनिवार को बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्याम भक्तों ने शोभा सह निशान यात्रा में भाग लिया। महोत्सव सुनारी राम मंदिर मैदान में मनाया जाएगा। वार्षिक महोत्सव 2015 श्री राम मंदिर मैदान में होने जा रहा है, जिसकी विशाल शोभा यात्रा निकली हुई है। लक्ष्मीनारायण मंदिर से होते मार्ग होते हुए आयोजन स्थल तक जाएगी, जिसमें भजन शिरकत करने रात में 8 बजे से सलीम राजा मुंबई और सरिता ओझा दुर्गा पूजन से बाबा के चरणों में अमृत वर्षा करेंगे। जेआरडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस मौके पर बच्चों के अभिभावक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। उधर दूसरी ओर कदमा स्थित राइजिंग स्टार स्कूल में क्रिसमस एवं न्यू ईयर के उपलक्ष में आयोजित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने इस मौके पर सेंटा क्लॉस के साथ नृत्य भी किया। प्राइज भी है और हमने बहुत मदद कर